अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक मैंने पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आंधी की वजह से जो स्टॉर्म आया था उसकी वजह से ये सोलर प्लेटें काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई थी। तो आज मैं उनको सेट कर रहा हूँ। तो उसको सेट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैंने सोलर प्लेट सारी रिमूव कर ली हैं। उसकी वजह ये है कि दोस्तों सोलर प्लेटों के भी जो ये कुछ अलाइनमेंट होने वाली है वो करनी थी। ये आप देख सकते हैं इसका सारा ये जो है फ्रेम टेढ़ा हो चुका है और जिस ये ग्लू गम से जुड़ा था वो भी उतर चुकी है और ये भी काफ़ी लूज़ थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये प्लेटों को रिमूव किया। रिमूव करने के बाद ये इसके सारे नट टाइट किए हैं, ये इसके फ्रेम के सारे नट ही लूज़ थे, तकरीबन सारे ही लूज़ थे और इतने लूज़ थे कि उसको हाथ से पकड़ के आप इसको ईजीली जो है ना मूव कर सकते थे। और अब दोस्तों बारी आ गई है सोलर प्लेटों की। तो सोलर प्लेटों के दोस्तों प्लास और ये ले कर कटर इसको सीधा करना है। अब इसके बैंड निकालने, ये जो बैंड पड़े हुए हैं ना ये सारे, इनको सीधा करना है इस तरह से, इनको सीधा कर लेना है ताकि यहाँ पे नट लगाने की गुंजाइश बन सके। वैसे मेरे ख्याल से ड्रिल कर लें, नया सुराख बना लें वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे तो बिल्कुल पायदारी नहीं है, यहाँ से नट फिर उखड़ जाएगा। ये आप देख सकते हैं सारी इसकी ग्लू इधर से उतर चुकी है। अब ये इसका फ्रेम जो है वो बिल्कुल हिल रहा है, ये अब इसमें पायदारी नहीं रही। नीचे मेरे पास मद मोंड पड़ी हुई है अच्छी किस्म की, तो उससे मैं इसको जोड़ लूँगा पहले, उसके बाद इसको फिट करूँगा। तो चलिए ज़रा स्मद मोंड को मैं ले आता हूँ, इसको एक दफ़ा जोड़ के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो सुराख है इनकी जगह पे ड्रिलिंग मस्ट होगी। अब यहाँ पे ड्रिल होगी, यहाँ पे करवा लूँ या यहाँ पे करवा लूँ, ड्रिल हो के दोबारा ये लगेगी। तो दोस्तों आपने अगर ग्लू यूज़ करनी है तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, मेक श्योर कर लेना कि कम से कम आपकी ग्लू जो है बहुत अच्छी किसी ब्रांड की हो। तो ये बेसन किट की है, मेड इन हॉलैंड की, ये आई गेस 400-500 रुपये की एक आती है, शायद यहाँ पे कहीं पे इसकी प्राइस लिखी हो, प्राइस तो नहीं लिखी लेकिन इसकी प्राइस भी मैं कंफर्म करके नीचे लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इसकी प्राइस कितनी थी। वैसे जहाँ था मेरा ख्याल है 400-500 की थी। तो ये इसकी क्वांटिटी भी चेक कर लेते हैं, ये 650 ml की है। ये काफ़ी ज़्यादा पायदार है, लकड़ी के कामों में ये यूज़ होती है शीटें वगैरह लगाने के लिए। ये देखें यहाँ पर बनी भी हुई है, तो ये वाली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कोई अच्छी ग्लू यूज़ करें। तो चलिए ज़रा इसको लगा लेते हैं, किसी बारीक सी चीज़ से इसके अंदर फंसानी है सारी ग्लू। तो मैं वीडियो को पॉज करके ज़रा लगा लूँ पहले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों प्लेटों को मैंने स्मद बोंड लगा दिया और इसको मैंने वज़न के ऊपर रख दिया। ये जो प्लेट ये वाली है ये इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं थी, इसको मैंने वैसे ही ऑपोजिट खड़ा कर दिया ताकि ये अच्छी तरह से जुड़ जाए। ये वाली प्लेट ज़रा ज़्यादा डैमेज थी, इसके ऊपर मैंने ईंटें रखी हैं ताकि ये अच्छी तरह से इसके साथ चिपक जाए। और वो आप देख सकते हैं येलो कलर की आपको नज़र आ रही होगी स्मार्ट बॉन्ड लगी हुई। तो दोस्तों अब इसको कम से कम आधा घंटा ऐसे ही पड़े रहने देना है, उसके बाद इसको मैं देखूँगा इसकी फ़िटिंग करनी है और किस इसको अब नेक्स्ट इसका स्टेप क्या लेना है। तो उतनी देर के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। दोस्तों आप ये देख लें कि बस एक काम वेल्डिंग वाला किसी और से करवाया तो उसका क्या नतीजा हुआ है, बाकी सारा काम मैंने खुद किया है, उसमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ वेल्डिंग वाला और फिटिंग वाला काम मैंने किसी के से करवाया और इसका इतना गंदा रिज़ल्ट मिला है कि उसकी वजह से मेरी सारी मेहनत और सारी मेरी इन्वेस्टमेंट बर्बाद होती जा रही है। तो दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जितना काम आप खुद कर सकते हैं वो आप खुद कर लें। जो आप किसी से करवाएँगे दोस्तों उसकी गारंटी कोई नहीं है कि वो चले या ना चले या कितनी देर चले। तो ये इतनी छोटी छोटी लापरवाही हैं, माइनर सी लापरवाही है जिसकी वजह से दोस्तों ये सारा सेटअप जो है उसका वो डिस्ट्रॉय हो गया, रून हो गया। और उसके अलावा दोस्तों टाइम की वेस्ट इतनी है कि अब मुझे सारी मेहनत इसके ऊपर सारा दिन करनी पड़ रही है। तो दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने किसी अच्छे दोस्त से या अच्छे किसी रिलेटिव से जो आपका जानने वाला हो आप उससे काम करवाएं और उसको कहें कि यार पैसे ले लो लेकिन काम कम से कम अच्छा करो। ये अब उस बंदे ने हमारे से पैसे डबल लिए हैं लेकिन काम इतना वो किया है ना टेम्परेरी था कि उसकी उससे बेहतर था मैं इसको ऐसे दीवारों के साथ वैसे ही लगा देता प्लेटों को, तो ये इतनी डैमेज नहीं होनी थी जितनी अब ये हो गई है। अगर मैं इसको बगैर फ्रेम के यहाँ पे लगा देता तो आई गैस इतना प्रॉब्लम ना था, क्योंकि यहाँ से विंड का
प्रेशर इस तरफ था तो वो दीवार के साथ उसने रुक जाना था। दोस्तों ये छोटी छोटी गलतियां मुझे समझ नहीं आती, ये काम क्यों नहीं ठीक तरह से करते और बेड़ा गर्क करके चले जाते हैं हर चीज़ का। तो चलिए ज़रा अब काम की तरफ आते हैं, बहुत हो गया गुस्सा। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह से अब रस्सियों से बांध दिया है, वो जहाँ जहाँ पे नट नहीं लगे थे वहाँ वहाँ पे मैंने रस्सी डाल के इसके साथ बांध दिया, नीचे से भी रस्सी डाल के इसको इससे बांध दिया ताकि इन केस अगर दोबारा आंधी आए तो ये इस तरह से उसको दूसरी तरफ ना धकेले। और उसको भी मैंने थोड़ा सा ऊपर से बांध दिया यहाँ से। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरह के नुकसान से बचने के लिए कम से कम फिटिंग इसकी इस अच्छी तरह से करवाएं, बीच में ये गैप ना छोड़ें। ये जो गैप आया हुआ है ये मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे भी एक एक सरिया लगवा के एक एक इंच का फासला छोड़ के एंगल आयरन लगा के दरमियान में जो खाली जगह है उसको भी फिल करें। ये दरमियान में जो खाली जगह है इसकी वजह से भी आधा 50% दोस्तों जो नुकसान हुआ वो दरमियान में जो उसने फिटिंग के लिए जो दरमियान में दोनों सोलर प्लेटों के दरमियान में एक स्पॉट नहीं लगाई उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये बातें तो उसको खुद सोचनी चाहिए, तो ये काम उसका था, तो ये थोड़ी सी गलती मेरे से भी हुई है, मुझे भी देख लेना चाहिए था कि ये फिटिंग सही नहीं है। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जब आप फिटिंग करवाएं तो आप दोनों सोलर प्लेटों के दरमियान में थोड़ा सा गैप रख के एक स्पॉट उसके दरमियान में भी रखवाएं। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।